सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिले इसके लिए काफी वर्षों से सोलन वासी संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासियों ने संघर्ष समिति का गठन भी किया था। इस संघर्ष समिति ने शहर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और अपनी मांगों को प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया था। भाजपा सरकार का रवैया भी इन मांगों पर सकारात्मक रहा, जिसके चलते अब सोलन वासियों को आस जगी है कि जल्द ही सोलन नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। संघर्ष समिति का मानना है कि नगर निगम बनने पर सोलन शहर की कायाकल्प हो सकती है और विकास की नई गाथा लिखी जा सकती है, इसलिए शहर में नगर निगम बनना बेहद आवश्यक है। अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों कुल राकेश पंत और मनोज गुप्ता ने कहा कि उनकी समिति में सभी दलों के सदस्य हैं, जो सभी चाहते हैं कि सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए संघर्ष समिति काफी वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रही है और तब तक करती रहेगी जब तक कि सोलन को नगर निगम नहीं मिलता। उन्होंने ये भी बताया कि संघर्ष समिति को सोलन शहर के 40 संस्थाएं अपना समर्थन दे चुकी हैं। सभी की एक ही मांग है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार से काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही सोलन को नगर निगम बनाने की घोषणा हो सकती है, जिसको लेकर संघर्ष समिति बेहद खुश है और वे उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब सोलन को नगर निगम घोषित किया जाएगा। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी नगर निगम संघर्ष समिति है वो और उनके साथी 2017 से करीब इसमें संघर्ष कर रहे हैं। वैसे ये संघर्ष तो पुराना, उससे भी पहले का चल रहा है। हम पिछले दिनों में जब भी ये माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, इनसे मिले या अर्बन डेवलपमेंट के जो न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर हैं श्री सुरेश भारद्वाज जी और श्री सैजल साहब जी से जब हमारी मुलाकात हुई है, तो इनका सोलन नगर निगम की जो मांग है उसके बारे में बड़ा ही सकारात्मक जो है रवैया रहा है। और आजकल हम इधर उधर से सुन रहे हैं कि कोई प्रपोजल्स बनने की बात हो रही है, तो सोलन के लोग जिन्होंने हमारे इस संघर्ष में बहुत सहायता की और वो 40 संस्थाएं जो सोलन नगर निगम संघर्ष समिति का पार्ट भी थी, संघर्ष समिति के हमारे सारे सक्रिय सदस्यगण, और संघर्ष समिति की इसकी सबसे बड़ी सुंदरता ये रही है कि इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों के, जहां बीजेपी के लोग हैं, जहां हम लोग कांग्रेस के लोग भी हैं, जहां आप पार्टी के लोग भी हैं, अन्य भी जो पार्टियां हैं और सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, पेंशनर एसोसिएशन हुई और जितने ओल्ड एज वो हुआ, और सोलन इंटेलेक्चुअल्स भी जो लोग हैं इसके वो पार्ट रहे हैं, तो हम सभी लोग उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि श्री जयराम जी इसकी घोषणा करेंगे कि सोलन को नगर निगम बनाया जा रहा है। व्यापार मंडल की तरफ से, सोलन नगर निगम संघर्ष समिति की तरफ से, मैं और पूरे सोलनवासी इस बात का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब से धर्मशाला को नगर निगम का दर्जा दिया था तब से सोलन के साथ जो अन्याय हुआ था, एक सोलन नगर निगम संघर्ष समिति के माध्यम से हमने बार बार सरकार के समक्ष और उस सोलन नगर निगम संघर्ष समिति में सभी वर्गों के लोग, मीन्स कि पूरा का पूरा सोलन, वहाँ का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसके अंदर सम्मिलित ना रहा हो, उन सब ने समय समय पर इकट्ठे होकर के एक आवाज़ उठाई कि सोलन, क्योंकि सारे के सारे मापदंड सोलन नगर निगम बनने के लिए पूरे करता है, इसको नगर निगम का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए। इस विषय में हम जितनी बार भी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, यहाँ के जो लोकल मिनिस्टर हैं उनसे या यूडी मिनिस्टर से अभी मिले, हमेशा उनका जो रवैया था कि हाँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है और सोलन को नगर निगम जल्द से जल्द इसका दर्जा दिया जाएगा। और आज जब हम इस बात की चर्चाएं सुन रहे हैं कि इस तरह की कोई बात उठ रही है और साथ के साथ इसको दर्जा देने की बात उठ रही है, तो हम आनंदित हैं और बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी टाइम साथ के साथ और जल्दी से जल्दी इसकी ऑफिशियल घोषणा हो और हम इस बात की खुशी मनाएं।